सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज की इस नए वीडियो में कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जैसे को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर मैंने कुछ इस तरह से जो है पोज में फोटो क्लिक किया था और कुछ इस तरह से जो है एडिट किया, तो आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है और एडिटिंग बहुत सिंपल और आसान है। एंड वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आप इजीली सीख जाओगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं तो जाइए अभी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, सिंपली पिक्सेल प्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो गाइस, आपको पिक्सेल प्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको गेट ए पिक्चर पर क्लिक करना है। एंड गेट ए पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो पर क्लिक करना है। एंड फोटो पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। एंड बैकग्राउंड ऐड करने से पहले आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ हाई क्वालिटी मैक्सिमम पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद कटआउट मॉडल को ऐड करना है। तो सिंपली इस इफेक्ट पे आएंगे। इफेक्ट पे जाने के बाद सिंपली इंसॉल्ट पिक्चर पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से मैं डन कर दूंगा। कुछ इस तरह से जो आपको कटआउट मॉडल को ऐड करना है, और आपको बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आ रहा है तो मैं उस पर वीडियो बना दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप इजीली सीख लीजिएगा बैकग्राउंड को इरेज कैसे करें परफेक्ट। तो सिंपली इस मॉडल को अच्छे से जो है कुछ इस तरह से सेट कर देंगे, मॉडल को बैकग्राउंड के ऊपर बैठा देंगे। एंड यहाँ से मैं डन कर दूंगा। एंड डन करने के बाद फिर से मैं डन कर दूंगा। एंड डन करने के बाद फिर नो कर दूंगा। एंड नो के बाद सिंपली इस इफेक्ट पे आएंगे एंड इंसॉल्ट पिक्चर पे आएंगे, पीएनजी और ऐड करेंगे। एंड इस पीएनजी को ऐड करने के बाद यहाँ से मैं डन करूँगा। एंड डन करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह जो है मैं लगा दूंगा। एंड लगाने के बाद फिर डन करना। एंड डन करने के बाद फिर इरेजर पे क्लिक करेंगे। एंड इस ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। इस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रेंथ को कुछ इतना रख लेंगे। एंड साइज को बढ़ा दें कुछ इतना। इसको जो है एंड कुछ इस तरह से इरेज करने के बाद सिंपली इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद सिंपली इस इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे आने के बाद ट्रांसफॉर्म पे आएंगे। एंड ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद इसको जूम कर कुछ इस तरह से जो है पहले सेट करेंगे। एंड यहाँ से मैं डन करूँगा और इसको भी कुछ इस तरह से जो है पहले इसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और साइज कुछ इतना रखेंगे। एंड कुछ इस तरह से आपको लगाना है। एंड यहाँ से डन करना है। सिंपली डन करने के बाद आपको नो कर देना है। एंड फिर से इफेक्ट पर जाना है और पीएनजी को ऐड करना है। तो इफेक्ट पे आएंगे एंड इंसॉल्ट पिक्चर पे। एंड कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद इसको अपने मुंह में कुछ इस तरह से जो है आपको लगा लेना है। कुछ इस तरह से आपको लगाना है। एंड पहले आपको यहाँ से डन करना है। एंड डन करने के बाद इसका ओपेसिटी आपको हल्का सा कम करना है, तो इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। एंड ब्लेंड पर क्लिक करना है। एंड इसका ओपेसिटी हल्का सा कम करके इरेजर पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से है इसको रिमूव कर देंगे पहले। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको मुंह में लगा देना है। एंड यहाँ से आपको इरेजर पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको स्ट्रेंथ को कम करना है। एंड इसको भी कुछ इस तरह से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको इस तरह कुछ इस तरह से जो है रिमूव कर देना है। इतना कुछ करने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। एंड इसका ब्रांडिंग जो ओपेसिटी है बढ़ा देना है। एंड यहाँ से आपको डन कर देना है, फिर नो कर देना है, और फिर एक और पीएनजी जो बादल है उसको ऐड करना है। तो इफेक्ट पे आएंगे एंड इंसॉल्ट पिक्चर पे, एंड इस बादल पीएनजी को ऐड करेंगे और कुछ इस तरह से इसको छोटा करके कुछ इस तरह से लगा देंगे। यहाँ से डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद जो साइड में जो कुछ इस तरह जो है इसको पहले रिमूव कर देंगे। एंड यहाँ से डन कर देंगे, फिर नो कर देंगे। तो सिंपली एक लोगो लगाएंगे हम सिंपली। तो ऐड फोटो पे जाएंगे
सो गाइस आप देख सकते हैं मैं लोगो को भी लगा लिया हूँ एंड हम लोग का जो पिक्सेल प्रो में जो भी स्टेप था फाइनल हो चुका है। तो सिंपली इस फोटो को लेके चलना है लाइट रूम में बैकग्राउंड से मैच करने के लिए, तो सिंपली इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सेव एज फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ से रन करना है एंड आपको सिंपली शेयर पे क्लिक करना है एंड ऐड टू लाइट रूम कर लेना है इस फोटो को एंड लाइट रूम ओपन कर एंड ऑल फोटो पे आना है एंड इस फोटो को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ऑटो पे क्लिक करना है, इस ऑटो पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट कलर ऑप्शन में आना है एंड कलर ऑप्शन पे आने के बाद ऊपर देख सकते हो आप मिक्स ऑप्शन पे जाना है एंड मिक्स ऑप्शन में आने के बाद पहले फर्स्ट कलर रेड मिल रहा है तो इसका सिचुएशन हल्का सा बढ़ाएंगे एंड लुमिनेंस को कुछ इतना रखेंगे एंड फिर नेक्स्ट कलर ऑरेंज इसका सिचुएशन हल्का सा कम करेंगे एंड ह्यू को कुछ इतना रख लेंगे एंड लुमिनेंस को 8 करीब रख लेंगे एंड फिर नेक्स्ट कलर येलो, येलो का सिचुएशन हम पूरा कम कर देंगे एंड फिर नेक्स्ट ग्रीन कलर इसका भी सिचुएशन कम कर देंगे एंड फिर नेक्स्ट सी एन कलर का जो ह्यू है कुछ इतना रख लेंगे एंड सिचुएशन कम कर देंगे एंड फिर नेक्स्ट कलर है हम लोग का ब्लू इसका ही सिंपली कुछ एंड सिचुएशन कुछ इतना ही रख लेना एंड लुमिनेंस को कम कर देंगे सिंपली कुछ इतना रख लेंगे एंड यहाँ से मैं 10 कर दूंगा। सिंपली इतना कुछ करने के बाद आपको वाइब्रेंस हल्का सा बढ़ाना है एंड फिर नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पे आना है, इसमें आपको क्लैरिटी डालना है एंड डी हेट डालना एंड बिगनेट हल्का सा आपको डालना है सिंपली कुछ इतना एंड ग्रेन अमाउंट 10 रख लेंगे एंड फिर इस वाले ऑप्शन पे आना है एंड नॉइज रिडक्शन कुछ इतना रखेंगे कलर नॉइज रिडक्शन एंड शार्पनिंग को बढ़ा देंगे एंड मास्किंग बढ़ा देंगे, रेडियस को कम कर देंगे एंड डिटेल्स को बढ़ा देंगे कुछ इतना, सिंपली इतना कुछ रखेंगे एंड फिर नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको लिफ्ट शैडो पे क्लिक करना। सो गाइस मैं लेफ्ट साइड को जो है बेशक अपने फोटो में डालता हूँ, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो सिंपली, तो एंड यहाँ से मैं डन कर दूंगा एंड डन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो स्काई का जो सेचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है तो इसको पहले कम करेंगे, तो इस कलर ऑप्शन पे आएंगे एंड मिक्स ऑप्शन पे जाएंगे एंड ब्लू कलर पे आने के बाद सेचुरेशन हल्का सा कम करेंगे कुछ इतना एंड यहाँ से डन करेंगे, सिंपली इतना कुछ करेंगे और आपको दिखा दे रहा हूँ बिफोर देख सकते हैं कितना बेकार लग रहा है एंड आफ्टर देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट बैकग्राउंड से मैच हो चुके हैं। आप फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, क्वालिटी थोड़ी सी भी लॉस नहीं हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी ऑसम लग रही है, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ऐसा फोटो एडिट करिएगा तो इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।